नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टारलेस रूम पर। फ्रेंड्स, शीघ्र ही आप सकता है जियो मार्ट कंपनी में, जो कि आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जियो की एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, जिसमें कि काफ़ी भारी मात्रा में अलग अलग पदों पर वैकेंसियां हायरिंग की जा रही है। जैसे कि फ्लिपकार्ट हुए, अमेजोन हुए, उसी की तरह दोस्तों जियो मार्ट का भी एक ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर है, जिसमें कि आप लोगों का डिलीवरी बॉय का काम रहने वाला है, ऑफिस असिस्टेंट से लेकर रिसेप्शनिस्ट से लेकर कई सारे पदों पर वैकेंसियां हायरिंग की जा रही हैं। जो भी कैंडिडेट ज़्यादातर कमेंट करते हैं कि सर कोई डिलीवरी बॉय की वैकेंसी हो या रिसेप्शनिस्ट की हो, उन सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी सुनहरा अवसर रहने वाला है, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोगों से लेकर और ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से लेकर सभी कैंडिडेटों के लिए हर एक जॉब लोकेशन पर वैकेंसी हायरिंग की जा रही हैं। राजस्थान, न्यू दिल्ली एंड नोएडा, हरियाणा, गुड़गांव, चंडीगढ़, कर्नाटक एंड उड़ीसा से लेकर कई सारे अदर अदर लोकेशन पर वैकेंसियाँ हायरिंग की जा रही हैं। तो वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, क्या आपको सैलरी मिलेगी और क्या रहने वगैरह की क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। और आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑनलाइन अप्लाई करके भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ताकि आप लोग सटीक से 100% सही तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यूज़ जॉब्स के अपडेट आएँ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि फ्रेंड्स आपकी जॉब जो रहने वाली है वो परमानेंट जॉब रहने वाली है कंपनी की तरफ से, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की, मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बेस पे नहीं है, डायरेक्ट परमानेंट है। ऐसे आवेदन करना है ऑनलाइन, आप सभी लोगों को आवेदन करना है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को भी एक भी पैसा पे वगैरह नहीं करना है। अब बात आती है कि कौन कौन अप्लाई कर सकेगा। सबसे ज़्यादा कमेंट आपकी यही रहती है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट यही करते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि चाहे आप लोकल से बिलोंग करते हों या अदर स्टेट से बिलोंग करते हों या अदर कंट्री से बिलोंग करते हों, सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं, चाहे मेल हों या फीमेल, दोनों लोगों के लिए बराबर वैकेंसियाँ हायरिंग की जा रही हैं, निकाली गई है। मिनिमम एज, जैसे कि एज में आप लोगों को छूट भी दी जा रही है, मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आपके मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर्स है और आप इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं और आप जॉब करना चाहते हैं जियो मार्ट जैसी कंपनी में, तो आप लोग इसमें कर सकेंगे। एंड जो क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि हाई स्कूल से लेकर 12th पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लाइक दैट BTech, MTech, हर कोई कैंडिडेट इस कंपनी में आवेदन करने वाला, क्योंकि हर किसी के लिए जॉब वैकेंसियाँ हायरिंग की जा रही हैं, कम पढ़े लिखे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों तक। हमारे चैनल पर सारी सभी नौकरियां बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए किसी को भी किसी प्रकार का शुल्क ना दें। यदि कोई आपसे पैसे मांगता है तो उसे बिल्कुल भी ना दें। यदि आप किसी को पैसे देते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने में या कैंपस भर्ती में डायरेक्ट में या इंटरव्यू देते समय, तो उसके जिम्मेदार भी आपसे होंगे, क्योंकि मैं जितनी भी उसकी जानकारियाँ देता हूँ वो 100% फ्री होती हैं। आप लोगों को किसी को भी, मतलब कि एक भी पैसा पे वगैरह नहीं करना है। अगर आप किसी को करते भी हैं तो उसके जिम्मेदार भी फिर आप ही हैं। पोस्ट एंड डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय की जो वैकेंसी निकाली गई है मैंने आपको पहले से बता दिया था कि, और नेक्स्ट जो पोस्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव की, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में कोई भी ऑर्डर आता है तो आपको उस ऑर्डर को प्लेस करना रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, इंजीनियर की, इसकी भी जो कि वैकेंसी निकाली गई है। और नेक्स्ट जो पोस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर की और ऐप डेवलपर की, दोनों ही मतलब कि डिपार्टमेंटों में अभी वैकेंसियाँ हायरिंग की जा रही हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव, जैसे कि टेक्निकल भी हुए एंड नॉन टेक्निकल भी हुए, दोनों ही ऑफिसर्स की दोस्तों इसमें जरूरत रहने वाली है और छूट भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी दी जा रही है। जैसे कि SC ST वालों को 5 ईयर्स की एंड OBC नॉन क्रिमिनल्स वालों को 3 ईयर्स की छूट भी प्रोवाइड की जा रही है। अब चलिए बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की, क्योंकि जॉब लोकेशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि 3 से 4 से 5 हज़ार पदों पर वैकेंसियाँ हायरिंग की जा रही हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स अवश्य शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बेरोजगार हैं उन तक वीडियो पहुँच सके और वो भी जियो मार्ट जैसी कंपनी को ज्वाइन कर सकें। तो चलिए जॉब लोकेशन बिना देर के हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहली जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, और नेक्स्ट जो बात करते हैं जैसे कि तमिलनाडु हुई और तेलंगाना हुए एंड गुजरात, बिहार एंड मिजोरम, और भी बात कर लेते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, केरला, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर जो कि वैकेंसियाँ अभी हायरिंग की जा रही हैं फ्रेंड्स। और दिल्ली से लेकर कई सारी और भी, जैसे कि आप लोग कमेंट करेंगे नोएडा की नहीं बताई, हरियाणा की नहीं बताई, तो मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स कि इतनी ज़्यादा जॉब लोकेशन पर अभी वैकेंसियाँ हायरिंग की जा रही हैं, मैं अगर सभी टाइप करता तो वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली थी, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है। बस आप लोगों को वीडियो अगर आप सुनेंगे क्लियरली देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज की भी। तो सैलरी मिनिमम आपकी जो रहने वाली है 18,500 रुपए से स्टार्टिंग से लेकर मैक्सिमम जो 24,000 रुपए तक आपको सैलरी मंथली प्रोवाइड की जाएगी, और इसमें कुछ कम भी ज्यादा हो सकती है। क्या होता है कि फ्रेंड्स आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप कंपनी में कम काम करेंगे तो आपकी सैलरी कम मिलने वाली है, अगर आप कंपनी में ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपको सैलरी ज्यादा मिलने वाली है। जो भी सैलरी बताई है वो एक अनुमानित सैलरी है, कुछ कम या ज्यादा भी हो सकती है। चलिए अदर फैसिलिटी बात कर लेते हैं। तो सभी फैसिलिटी जो कि एज पर कंपनी पॉलिसी रहने वाली है, और एप्लीकेशन फीस भी बता दूं आपको पहले से कि 100% फ्री है सभी कैंडिडेटों के लिए, चाहे मेल या फीमेल। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सो डू नॉट बी एनी टाइप चार्ज और फीस, प्लीज बी अवेयर है फ्रॉडलेंट कॉल्स और ईमेल्स। आपको ध्यान रखना है किसी भी, मतलब कि स्पैम कॉल्स वगैरह आती हैं या ईमेल्स आते हैं, आपको किसी को भी एक भी पैसा वगैरह पे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कर देते हैं तो उसमें आपकी, मतलब कि किसी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि हमारी तरफ से सिर्फ जानकारी शेयर की जाती है, कन्फर्म करना और मतलब जॉब करना ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी को भी एक भी पैसा वगैरह कभी भी ना पे करें, क्योंकि मैं वीडियो में 3 से 4 बार बताता हूँ, आप लोग ज़्यादातर मतलब गुस्सा भी हो जाते हैं, कई बार कमेंट करते हैं कि सर आप बार बार मतलब यही बार रिपीट करते हैं, फिर भी तो आप लोग मतलब कि ऐसा कर देते हैं, किसी किसी को पैसे देते हैं बाद में कमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें देने के बाद कोई फायदा नहीं रहता, कोई भी वापस वगैरह नहीं करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें फ्रॉड लोगों के कॉल्स और ईमेल से।
चलिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की भी। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का बेसिक सिंपली रहने वाला है, जैसे कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिक ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के हिसाब से आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है। क्या होता है कि जैसे कि 5 से 6000 पदों पर अभी वैकेंसी हायरिंग की जा रही है, फॉर्म कम से कम 40 से 45 लाख भी अप्लाई हो सकते हैं। इससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए भी इसमें अभी हायरिंग चल रही है, हर किसी को शॉर्टलिस्ट होने का चांस रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली हुई हैं। और उसके बाद जैसे ही आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, बस आपको सिंपली सटीक तरीके से अप्लाई करना है। मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ, अगला मतलब कि गलत तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी रेस्पॉन्स वगैरह नहीं देखने को मिलने वाला, इसलिए सटीक से अप्लाई करें। जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ऑन स्पॉट जॉइनिंग लेटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट की भी बात कर लेते हैं। तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि इंड भी जल्दी हो जाएगी, तो सिंपली आप लोगों को इंड होने से पहले ही आवेदन कर लेना है। अगर आप इंड होने के बाद अप्लाई करते हैं तो भी आपको कोई भी रेस्पॉन्स वगैरह नहीं देखने को मिलने वाला है। अब मेन पॉइंट आता है कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे ही मतलब कि मोर पर क्लिक करेंगे, ये आप देख रहे होंगे, तो सेकंड टाइम जब आप देखेंगे तो आपको अप्लाई लिंक इस तरीके से मिल जाएगी। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग JioMart की ऑफिशियल करियर वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। उसमें जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, उसी में आपको सभी पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही जब आप अप्लाई करें तो उसके समय आपको अपडेटेड लेटेस्ट रिज्यूम और ईमेल एड्रेस और जो भी वगैरह सभी डॉक्यूमेंट उसमें फिल करने रहते हैं, जो भी जानकारी उसमें मेंशन है, तो सभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपने पास रख लें और सभी जानकारी अच्छे से फिल कर दें। फिल करने के बाद सिर्फ सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट कर देंगे तो आपको सिर्फ अपडेट रहना है, जब आपको मतलब कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तभी आपको जाना है शॉर्टलिस्टिंग जब आपको जाएंगे। तो चलिए सिंपली आप लोगों को दिखा भी देते हैं किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, ये जो है जियो की ऑफिशियल करियर वेबसाइट है जिस पर हम विजिट कर चुके हैं। तो सिंपली आप लोगों को कैसे आवेदन करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर लोकेशन वाइज सर्च भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और मैनुअली भी, और ऐसे भी इस तरीके से आपको स्क्रॉल जब आप करेंगे तो आप लोगों को सिंपली ये सभी पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। और नेक्स्ट जो पोस्ट करने के लिए आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं, तो आगे भी आपको 10 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। तो सिंपली अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए गुजरात की है एडवाइजर पोस्ट प्रोसेस की, तो सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ पेज लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, अपना इसमें नेम दे देना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आप लोग सरनेम वगैरह लगाते हैं वो आप लोग इसमें लगा सकते हैं, और सिंपली कैलेंडर से आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस जो आप लोग चला रहे हों, और कंट्री मतलब कि सॉरी कंपनी, आप मतलब कि किस कंपनी में काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो भी अपना इसमें दे सकते हैं दोस्तों। और अगर आप किसी में नहीं करते हैं तो ऐसा ही इसको रहने दीजिए। और करंट अपनी जॉब मतलब कि रोल भी बता सकते हैं, और कंट्री इंडिया से अगर बिलोंग करते हैं तो आप लोग इंडिया अपील कीजिए, अगर आप अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली अपना मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी फॉर्म को कैसे फिल करना है। मैंने आपको पहले से बता दिया था कि मैं आपको अवश्य 100% बताने वाला हूं फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।